हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वागत है आपके हमारे चैनल में। ये हमारा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। और हम बनाने जा रहे हैं आज छोले। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 2 प्याज, 3 टमाटर। इसको हम बारीक काट लेंगे। इसको हम थोड़ा महीन, आप जैसे कंफर्टेबल हो आप काट सकते हो, मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ तो मैं ऐसे काटती हूँ। ये लिए हैं मैंने कुछ खड़े मसाले, जिसमें तेज पत्ता, बड़ी इलायची, ये जावित्री, दालचीनी के टुकड़े, और इधर मेरा तेल हो गया है गरम, तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा। जब ये अच्छे से बन जाए, फिर मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ। इलायची को हमेशा बीच से स्विट करके डालते हैं। फिर इसमें मैं डालूंगी प्याज, प्याज भून रहा है तब तक मैं अपने टमाटर कट कर लेती हूँ। मैं वैसे ही रफली चॉप कर रही हूँ, आप चाहो तो बारीक काट लो या फिर जैसे आप काटना चाहो। मिक्सी में डालकर इसको ग्राइंड कर दूंगी। इसमें डालूंगी मैं हरी मिर्ची, खड़ी तो नहीं है हमारे पास ये पके हुए, तीखा थोड़ा कम खाती हूँ तो मैं सिर्फ एक मिर्ची यूज़ करूँगी और बाकी में हम लोग मिर्ची पाउडर यूज़ करेंगे। और ये थोड़ा सा जिंजर, इसको मैं पील कर लेती हूँ। प्याज भून चुके हैं, अब मैं डालूंगी इसे हमारा पिसा हुआ टमाटर, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, थोड़ा सा स्वादानुसार साग, नमक, थोड़ी हल्दी, इसमें बॉईल किए हुए छोले डालेंगे जिसे मैंने हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पे मैं ये छोले डाल रही हूँ, इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, मैं तीखा कम खाती हूँ तो मैं बिल्कुल जस्ट लिटिल बिट थोड़ा ही डालती हूँ। आपको जितना पसंद हो अपने टेस्ट अनुसार आप डालें। और थोड़ा धनिया पाउडर एंड फिर से मिलाएंगे और थोड़ी देर से 5 से 7 मिनट ढक के रखेंगे। तो 5 मिनट बाद मैं देखती हूँ कैसा है हमारा छोले। ये देखो दोस्तों, ये रहा। अब मैं डालूंगी इसमें
देनी चाहिए पानी। तो पानी आप ज़्यादा ना डालें, मैं जब कंसिस्टेंसी देख रहे हो मैं इतना डाली हूँ। और जैसे मैं इधरी हूँ तो मैं ग्लास से, आधे ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा डाली हूँ मैं पानी बस। फिर मैं इसे बॉईल होने दूँगी थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं बस थोड़ी देर, क्योंकि छोला हमारा पहले से बॉईल है। फिर मैं हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर बाद गर्म मसाला ऐड करेंगे, बस थोड़ी देर बाद। ओके दोस्तों, अब देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारा छोला कैसा है। तो ये देखिए हमारा छोला लगभग तैयार है। अभी इस स्टेज पे मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हमारा छोला रेडी है। थोड़ी देर हम इसे और पकाएंगे, पाँच मिनट, 2 से 3 मिनट। तो दोस्तों 5 मिनट बाद हमारा छोला बिल्कुल तैयार है। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा इसे गार्निश, थोड़ी सी हरी धनिया स्वाद के लिए, बहुत अच्छा स्वाद आता है इसे। बस और टर्न ऑफ, और मैं इसे सर्व करूंगी पूरी के साथ। तो मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों ये हमारा छोला और पूरी रेडी है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ और नान के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आप चाहें। तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।